हाय एवरीवन, आज ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ जो लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं सेसारियन, उन लोगों के लिए बना रहा हूँ। ऑल द बेस्ट, और बहुत ज़ोर शोर से प्रोटेस्ट करना, ज़ोर से आवाज़ लगाना। कैंडल मार्च अगर आप साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हो तो पूरी फीलिंग के साथ करना, सुशांत को याद रखते हुए करना। और अगर वहाँ पर कोई क्वेश्चन पूछने यूट्यूबर्स हो या मीडिया हो या जो भी अगर आते हैं तो क्वेश्चन, राइट क्वेश्चन पूछना, यही आपको बेस्ट ऑफ लक देता हूँ। सुशांत आप लोगों के साथ है, हम सब के साथ है, ये लड़ाई नहीं रुकनी चाहिए। आप ऐसे ही आवाज़ उठाते रहिए, और मेरे हिसाब से हर 2 महीने में, हर 1 महीने में एटलीस्ट एक प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं होना चाहिए। ये अच्छी बात है, आज 27 मार्च, बहुत सारी जगह हो रहा है प्रोटेस्ट, बहुत अच्छी बात है, आप करिए। मुंबई में शायद नहीं हो रहा है, लेकिन कोशिश ये की जाएगी कि हर जगह हो, नेक्स्ट टाइम से हर जगह हो, और मुंबई और दिल्ली ज़रूर हो, क्योंकि मुंबई में ये हादसा हुआ है और दिल्ली में ये इन्वेस्टिगेशन होने वाली है, जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की सेंट्रल एजेंसी से है और सेंट्रल एजेंसी दिल्ली में। तो दिल्ली और मुंबई कभी नहीं चूकनी चाहिए मेरे हिसाब से। और बाकी हर जगह जहाँ जहाँ से लोग करते हैं, जहाँ जहाँ भी आपके पास अगर कोई है जगह जहाँ पर आप जा सकते हो और प्रोटेस्ट कर सकते हो, बिल्कुल करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर कोई प्रोटेस्ट के नाम पर कोई कैंडल मार्च कर रहा है या फिर साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहा है या कोई भूख हड़ताल कर रहा है, अपने अपने हिसाब से करते हैं लोग, तो अपने अपने भाव के हिसाब से करते हैं, बस भाव अच्छा होना चाहिए, बाकी इसका फ़र्क अपने अपने हिसाब से होगा। सो ये प्रोटेस्ट में आप भाग लीजिए, आप जैसे जैसे कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर 4 लोग भी अगर करते हैं अपनी जगह पर, वहाँ पर पहुँच नहीं सकते, जगह पर दूर है थोड़ी, घर वालों का रिस्ट्रिक्शन है, तो 4 लोग मिलकर फैमिली के कंपाउंड में या ऐसे जो भी कर सकते, जहाँ पर कर सकते करिए। लाइव मैं करूँगा, बाकी जो सारे जो लाइव कर रहे हैं उनके साथ लाइव जुड़िए, लोगों को बताइए कि हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम और भी लोग करें। जैसे भी हो, मुहिम को पॉजिटिव रखिए, और ऑल द बेस्ट टू यू, और ऐसे ही लगे रहिए मेरे साथ, खबरों के साथ, और आप लोग सब प्रोटेस्ट करते रहिए।